जितनी बार आप दिन में जाते वो आश्रम उतनी बार पास आती थी और उसमें व्हाइट कलर के ऐसे पीसेस के जैसे आते थे और आप 4 महीने से परेशान थे। ये जो इसे प्रॉब्लम है ना वो नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा खत्म हो जाता है उससे, पूरी अंदर की बॉडी हड्डियां इसकी खुर खुर के वो चर्बी अंदर की इसके बाथरूम के राई वो आ रही थी बार पीसेस की तरह। मेडिसिन तो खा रही थी पर उससे कोई हल नहीं हुआ। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम जसकरण है और शिवपोई गांव के रहने वाले हैं फतेहगढ़ चूड़ियां। और जो बता रहे हैं जिस सिस्टर ने बताया है कि 4 महीने हो गए थे इनको बाथरूम रही पस आ रही थी और जो बता रही कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीस आ रहे थे पस के व्हाइट कलर के जिसके कारण जी बहुत परेशान हो चुके थे। और जो बता रही कि जैसे जी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी खाने के लिए और जो बता रही कि उस मेडिसिन से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से जो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने चेंज कर 10 दिन की मेडिसिन दी कि आप जे खाए और फिर बताना कि आपको फर्क पड़ गया है तो फिर हम आपको बताएंगे। और जब बता रहे कि 10 दिन की जब उसने मेडिसिन दी और जे खा रहे थे पर उस मेडिसिन से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस प्रॉब्लम के कारण जिस सिस्टर की बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, वीकनेस आ गई थी क्योंकि जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, घर का काम नहीं कर सकते थे, इतनी ज्यादा बॉडी में वीकनेस हो गई थी क्योंकि लगातार 4 महीने से इनको बाथरूम रही पस आ रही थी जिसके कारण जो बहुत परेशान थे, मेडिसिन भी खा रहे थे और जो बता रहे कि मुझे फर्क ना पड़ने के कारण इन जो बहुत परेशान हो चुके थे। फिर जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया गया कि जैसे प्रभु भोज की मीटिंग के बाद 28 जनवरी के दिन जो परफेक्टिक वर्ड दिया था कि प्रभु भोज की मीटिंग के बाद 1 हफ्ते की चर्च भवन में प्रार्थना होगी और जिनकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी तो वो अपने फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखवा सकते हैं और लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना होगी और जो लोग भी परेशान हो तो वो भी प्रार्थना में जरूर आए। तो जैसे प्रोफेटिक वर्ड इन्होंने रिसीव किया और जब बता रहे जब इन्होंने फरवरी महीने की मीटिंग में आए और जब बता रहे कि जैसे 1 हफ्ते की प्रार्थना शुरू थी प्रभु भोज की मीटिंग के बाद तो इन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया, अपनी प्रॉब्लम लिखवाई जो कि इनको 4 महीने से बाथरूम रही पस आ रही थी। और जो सिस्टर बता रही कि जो पूरे 1 हफ्ते में जैसे प्रार्थना शुरू थी और जो 2 दिन प्रार्थना में आए जैसे जो फर्स्ट इन्होंने पहले दिन प्रार्थना की अपना मन परमेश्वर को दिया और जो बता रही कि जैसे कि परमेश्वर के दास भी प्रार्थना में आते थे तो जैसे परमेश्वर के दास ने भी इनको टीच किया, उत्साहित किया और सबको जैसे वचन के द्वारा बताते थे और जो लगातार उस वचन को इन्होंने सीखा और जब इन्होंने सेकंड डे मीटिंग को अटेंड किया प्रार्थना को और जो बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने सिस्टर को छुआ जो कि इनकी बॉडी में बहुत कमजोरी थी, वीकनेस रहती थी, जो बता रही कि जो बहुत ज्यादा पस आ रही थी और जो बता रही कि उस दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ और उस दिन के बाद ही जो बता रही कि इनको फर्क पड़ना शुरू हो गया और जो बता रही 1 ही महीने में पूरी तरह से इनको नॉर्मल बाथरूम आ रहा था, कोई पस नहीं आ रही थी जो कि मेडिसिन से भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा था। पर जैसे इन्होंने जो परफेक्टिक जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा दिया था इन्होंने पूरा किया और जब बता रहे कि आज 2 महीने से प्लस हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इनकी बॉडी में ना कमजोरी है, अपने घर का काम कर रहे हैं, आज पूरी तरह से परमेश्वर ने 4 महीने की इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया सुनो ये माइक तो है नहीं, ये प्रॉब्लम आपको कितना समय पहले हुई थी, कितने चेर पहले? चार महीने हाँ 4 महीने पहले हुई थी। तो ले हैंड कब आए थे? फरवरी महीने में प्रेयर में आए थे। हाँ जी सुनो ध्यान से सर, जब ये प्रॉब्लम थी आप क्यों तो आप कितनी तकलीफ में थे, शरीर में क्या होता था थोड़ा बताओ। बड़े पापा जी में तकलीफ
बॉडी में मतलब कोई बल नहीं रहा, मतलब वीकनेस कमजोरी बहुत आ गई है ना। हाँ जी, कोई काम नहीं। पापा जी पास पांच तो वादी पी सब वादी जांदी जांदी नहीं। जब भी आप वॉशरूम जाते थे उतनी बारी आती थी कि ऐसे कैसे, थोड़ा बताओ। उतनी बारी पापा जी आंदी। जितनी बार आप दिन में जाते वॉशरूम उतनी बार ही पास आती थी। हाँ जी। और उसमें व्हाइट कलर के ऐसे पीसेस के जैसे आते थे। हाँ जी पापा जी। और आप 4 महीने से परेशान थे। हाँ जी। और अपने फरवरी महीने में जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है ना, हाँ जी पापा, हमारे छुटकारे के लिए। हाँ जी। आप आए। हाँ जी। विश्वास से आए है ना। यस पापा जी। और 2 दिन आए, पहले दिन तो नहीं पर दूसरे दिन परमेश्वर ने आपको छू लिया। हाँ जी पापा जी। हाँ? हाँ जी। कितनों को बताया कि परमेश्वर ने हमें ये परफेक्टिक दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सुनने वालों पर निर्भर करता है। आप किस मन से, किस विश्वास से आ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितने मेरी बात समझ रहे? तो इसने विश्वास से किया ना। ये जो इसे प्रॉब्लम है ना, वो नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदा खत्म हो जाता है उससे। पूरी अंदर की बॉडी, हड्डियां इसकी खुर खुर के, वो चर्बी अंदर की इसके बाथरूम के राई वो आ रही थी बाहर पीसेस की तरह। मेडिसन तो खा रही थी पर उससे कोई हल नहीं हुआ। और डॉक्टर ने बदल कर दी, कहता ये खाओ 10 दिन इससे हो जाएगा, पर उससे भी जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, कि हुआ था कुछ नहीं पापा जी, कुछ भी जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ जी। देख लो, तब आप बहुत परेशान होंगे। हाँ जी पापा जी, बड़ी कोई घर का कोई काम काज भी नहीं होता होगा। हाँ जी, शरीर में थकावट रहती होगी। हाँ जी पापा जी, बड़ी मोटा काम कर दी रही है। मैं औखे होके कर दी सी। हाँ जी। देख लो तुम कितनी परेशान थी ये। और जो वचन खुदा ने दिया इसने विश्वास से पूरा किया ना। क्या किया? विश्वास से पूरा किया। आज आपके सामने है। अभी कितना टाइम हो गया है? पापा जी 3 महीने हो गए और नहीं है, कोई पास नहीं आंदी। अच्छा 3 महीने हो गए। हाँ जी। आपने अच्छे से चेक किया? हाँ जी, कोई पस नहीं। आप कोई बॉडी में थकावट तो नहीं है? नहीं, कोई जोड़ों में दर्द, कोई टांगों में दर्द, कोई हाँ जी, कुछ नहीं। अभी पूरी तरह परमेश्वर ने फ्री कर दिया। तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो। ये नॉर्मल गवाही नहीं है। दोनों हाथों को उठा कर तैयार हो सारे? हाँ, तुम भी तैयार हो अपनी गवाहियों के लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है। और जितने लोग भी इस वचन को पूरा कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहां पे कोई ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जो अपनी जीवन की गवाही नहीं देगा। ये 2024 आपके लिए मोर ब्लेस्ड बन चुका है। समझ आ रही मेरी? क्योंकि वचन जो खुदा अपने लोगों के लिए देता ना, उन्नति के लिए। बोलो क्या है? तैयार हो फिर सारे? मैंने कहा तैयार हो, क्योंकि खुदावंद तैयार है। अभी भी हमारे पास कितने महीने बचे हैं पता है? 7 महीने अभी बचे हैं हमारे पास। कितने हैं? 7 महीने बचे हैं। हर बंदा यहां पे बैठा गवाही के साथ होगा, हर बंदा। पर यह आपके ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारी मन की चाहत, तुम्हारे विश्वास कैसा है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम किस मन से आए हो। अब देखो ना, बाइबल में लिखा है बिना विश्वासों से कोई खुश नहीं कर सकता। कितने मेरी बात सुंदर है कि बिना विश्वासों से। अब इसको पूछो कि किस विश्वास से, किस मन से आई? हाँ, कैसे धन्यवाद करती रही? बोलो क्या? जब परमेश्वर ने छुआ तो कैसे धन्यवाद करती रही कि नहीं परमेश्वर वो वचन तेरी और से है। हाँ, तूने अपने दास को जो दिया है तो मेरे लिए हो चुका है।
कैसा मन, कैसा विश्वास किया, कैसे अपने मन को खुदा के आगे दीन किया, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को मैंने देखा। ये जो इसे रोग लगा ना, लोग सालों से इसकी मेडिसिन खाते, वो जाता नहीं जल्दी। सालों से मैंने संसार में और प्रभु में भी देखा लोगों को, सालों से कई लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं पर वो फ्री नहीं हो पाते। अब तुम बताओ कि परमेश्वर पक्षपात करता है? अगर इसको छू सकता है, अगर कोई और भी होगा क्या उसको नहीं छू सकता? पर कहीं ना कहीं पे उसके विश्वास में कमी, उसकी मन की तैयारी में कोई कमी है, कुछ ना कुछ तो होगा। पर खुदा ने कहा हर चीज के लिए मेरे पास आ, कहा है कि नहीं कहा? हाँ, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये बड़ी भयानक है। ये सारी अंदर की चर्बी हड्डियां खुरखुर कर आती हैं बाहर, और इसको छू लिया खुदा ने और आजाद कर दिया। तारीफ कर दो फिर से।